Hi. I saw you on YouTube. Hello everyone. Welcome back to my channel. आज मैं आई हूँ इंडिया गेट घूमने, क्योंकि मैं इंडिया गेट के बिल्कुल पास में रहती हूँ, 2 किलोमीटर्स की दूरी में। तो मैं ऐसे पैदल चलते चलते आ गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना वॉक कर लूँ, और मुझे पास में दिखा इंडिया गेट, तो मैं आ गई यहाँ पे घूमने। अभी शाम के 7 बजे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को भी इंडिया गेट का टूर करा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अक्सर लोग यहाँ पे घूमने आ जाते हैं, स्पेशली इवनिंग टाइम को, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग्स होते हैं और नाइट का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। इंडिया गेट देखने के लिए कोई एंट्री चार्जेस नहीं लगता है, ये सबके लिए फ्री है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पे अक्सर घूमने आ जाते हैं, और स्पेशली बच्चों को लेके फैमिली के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। इंडिया गेट आने के लिए आप मेट्रो, कैब या ऑटो भी ले सकते हैं। अगर मेट्रो से आते हैं तो आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन में उतरना होगा, वहाँ से आपको 3 नंबर गेट से आपको निकल के आप इंडिया गेट की तरफ आ सकते हैं। अभी शाम के 7 बज गए हैं और लाइटिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है, ट्राई कलर लाइटिंग्स। इंडिया गेट के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया गेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 3rd Anglo-Indian War में जितने भी सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया है, और उन सारे सोल्जर्स के नाम इन दीवारों पे लिखा गया है। इंडिया गेट घूमने के बाद मैं यहाँ से वापस जा ही रही थी, तो मेरे साथ एक स्वीट इंसिडेंट हुआ। एक सब्सक्राइबर मिले मुझे, तो उनसे मिल के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड लुक एट दिस क्यूट कपल, माई बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप दोनों से मिल के बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मेरा इंडिया गेट विजिट पूरा होता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है रात के 9 बजे। इंडिया गेट के पीछे नेशनल वॉर मेमोरियल भी है, जो 8 बजे बंद हो गया था, तो मैं जाऊंगी अगले दिन। तो दोस्तों, मैं आई हूँ दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल देखने, जो डेडिकेटेड है उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। The National War Memorial is an Indian national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who were martyred in armed conflicts of independent India. The names of armed forces personnel martyred during the armed conflicts are inscribed on the memorial walls in golden letters. Ye war memorial banaya gaya tha 2019 mein as a tribute to our great soldiers for their supreme sacrifice for our country. In deewaron pe un sabhi veer shahidon ke naam sone ke akshar mein likha gaya hai, unke balidano ko yaad karte hue. In deewaron ko 4 concentric circle mein divide kiya gaya hai: Amar Chakra, Veer Chakra, Tyag Chakra aur Rakshak Chakra. This place demonstrates the significance of those brave soldiers who gave their life in the battlefield for our country. The walls hold the names of 25,942 martyrs. मैं जैसे जैसे यहाँ पे इन soldiers के नाम पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि कितनों ने अपने खून पसीना
बहाए, तब जाके हम जो अभी ये आज़ादी के जीवन जी रहे, ये उनके बलिदानों के बदौलत मिली है। और मैं उन माँ बाप, बीवी, बहन, भाई, उन सबको याद कर रही थी जिन्होंने अपनों को खोया है। और यहाँ आके मुझे कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस हो रहा था कि मैं भी इंडियन आर्मी का एक सदस्य हूँ, एक सोल्जर की पत्नी हूँ। और यहाँ पे वॉल आर्ट के थ्रू दिखाया गया है कि हमारे सोल्जर्स ने कैसे युद्ध के मैदान में दुश्मनों को डट के सामना किया। ऑपरेशन मेघदूत इन द सियाचिन ग्लेशियर्स, द बैटल ऑफ रजांगला इन लद्दाख, द बैटल ऑफ गगनसार फोर्ट इन बांग्लादेश एंड द बैटल ऑफ लोंगेवारा इन द डेजर्ट, ये सारे दिखाए गए हैं वॉल म्यूरल आर्ट के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर जवान ज्योति और द इटर्नल फ्लेम, विच इज़ नेवर अलाउड टू बी एक्सटिंग्विश्ड, एज एन आइकनिक सिंबल ऑफ द नेशंस ट्रिब्यूट्स टू ऑल द ब्रेव हार्ट्स। अंत में मैं उन सारे सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन सब के साहस को सलाम करती हूँ। जय हिंद।